भाग दो। मनसाराम दो दिन तक गहरी चिंता में डूबा रहा। बार बार अपनी माता की याद आती। न खाना अच्छा लगता, न पढ़ने में ही जी लगता। उसकी काया पलट सी हो गई। दो दिन गुजर गए और छात्रालय में रहते हुए भी उसने वह काम न किया जो स्कूल के मास्टरों ने घर से कर लाने को दिया था। परिणाम स्वरूप उसे बेंच पर खड़ा रहना पड़ा। जो बात कभी न हुई थी वह आज हो गई। यह असह्य अपमान भी उसे सहना पड़ा। तीसरे दिन वह इन्हीं चिंताओं में मग्न हुआ अपने मन को समझा रहा था। कहां संसार में अकेली मेरी ही माता मरी है? विमानताएं तो सभी इसी प्रकार की होती हैं। मेरे साथ कोई ना कोई बात नहीं हो रही है। अब मुझे पुरुषों की भांति अपना द्विगुण परीक्षण से अपना काम करना चाहिए। जैसे माता पिता राजी रहें वैसे उन्हें राजी रखना चाहिए। इस साल अगर छात्रवृत्ति मिल गई तो मुझे घर से कुछ लेने की जरूरत न रहेगी। कितने ही लड़के अपने ही बल पर बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त कर लेते हैं। भाग्य के नाम को रोने कोसने से क्या होगा। इतने में जिया राम आकर खड़ा हो गया। मनसाराम ने पूछा, घर का क्या हाल है जिया? नहीं अम्मा जी तो बहुत प्रसन्न होंगी। जिया राम, उनके मन का हाल तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब से तुम आए हो उन्होंने एक जून भी खाना नहीं खाया। जब देखो तब रोया करती हैं, जब बाबूजी आते हैं तब अलबत्ता हंसने लगती हैं। तुम चले आए हो, मैंने भी शाम को अपनी किताबें संभाली, यहीं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। भूंगी चुड़ैल ने जाकर अम्मा जी से कह दिया, बाबूजी बैठे थे उनके सामने, अम्मा जी ने आकर मेरी किताबें छीन ली और रोकर बोली, तुम भी चले जाओगे तो इस घर में कौन रहेगा? अगर मेरे कारण तुम लोग घर छोड़ छोड़ कर भागे जा रहे हो तो लो मैं ही कहीं चली जाती हूँ। मैं तो झल्लाया हुआ था ही, वहाँ अब बाबूजी भी न थे। बिगड़ कर बोला, आप क्यों नहीं कहीं चली जाएंगी? आपका तो घर है, आप आराम से रहिए। गैर तो हम ही लोग हैं, हम न रहेंगे तब तो आपको आराम ही आराम होगा। मनसाराम, तुमने खूब कहा, बहुत ही अच्छा कहा। इस पर और भी झल्लाई होंगी और जाकर बाबूजी से शिकायत की होगी? जी आराम, नहीं ये कुछ नहीं हुआ। बेचारी जमीन पर बैठकर रोने लगी। मुझे भी करुणा आ गई, मैं भी रो पड़ा। उन्होंने आंचल से मेरे आंसू पोंछे और बोली, जिया मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि मैंने तुम्हारे भैया के विषय में तुम्हारे बाबूजी से एक शब्द भी नहीं कहा। मेरे भाग में कलंक लिखा हुआ है, वही भोग रही हूँ। फिर और ना जाने क्या क्या कहा, जा मेरी समझ में नहीं आया, कुछ बाबूजी की बात थी। मासाराम ने उद्विग्नता से पूछा, बाबूजी के विषय में क्या कहा, कुछ याद है? जिया राम, बातें तो भाई मुझे याद नहीं आती, मेरी मेमोरी कौन बड़ी ते है, लेकिन उनकी बातों का मतलब कुछ ऐसा मालूम होता था कि उन्हें बाबूजी को प्रसन्न रखने के लिए ये स्वांग भरना पड़ रहा है। न जाने धर्म अधर्म की कैसी बातें करती थी जो मैं बिल्कुल न समझ सका। मुझे तो अब इसका विश्वास आ गया है कि उनकी इच्छा तुम्हें यहाँ भेजने की न थी। मनसाराम, तुम उन चालों का मतलब नहीं समझ सकते, ये बड़ी गहरी चालें हैं। जिया राम, तुम्हारी समझ में होगी, मेरी समझ में नहीं है। मनसाराम, जब तुम ज्योमेट्री नहीं समझ सकते तो इन बातों को क्या समझ सकोगे? उस रात को जब मुझे खाना खाने के लिए बुलाने आई थी और उनके आग्रह पर मैं जाने को तैयार भी हो गया था, उस वक्त बाबूजी को देखते ही उन्होंने जो कैंडा बदला वह क्या मैं कभी भूल सकता हूँ? जिया राम, यही बात मेरी समझ में नहीं आती। अभी हाल ही में मैं यहाँ से गया तो लगी तुम्हारा हाल पूछने। मैंने कहा, वह तो कहते थे कि अब कभी इस घर में कदम ना रखूंगा। मैंने कुछ झूठ तो कहा नहीं, तुमने मुझसे कहा ही था। इतना सुनना था कि फूट फूट कर रोने लगी। मैं दिल में बहुत पछताया कि कहाँ से कहाँ मैंने ये बात कह दी। बार बार यही कहती थी, क्या वह मेरे कारण घर छोड़ देंगे? मुझसे इतनी नाराज हैं, चले गए और मुझसे मिले तक नहीं। खाना तैयार था, खाने तक नहीं आए। हाय, मैं क्या बताऊँ, किस विपत्ति में हूँ। इतने में बाबूजी आ गए। बस तुरंत आंखें पोंछ कर मुस्कुराती हुई उनके पास चली गई। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। आज मुझे बड़ी मिन्नत की कि उनको साथ लेते आना। आज मैं तुम्हें खींच ले चलूंगा। दो दिन में वह कितनी दुबली हो गई हैं, तुम्हें ये देख कर उन पर दया आई, तो चलोगे ना? मनसाराम ने कुछ जवाब ना दिया, उसके पैर कांप रहे थे। जिया राम तो हाजिरी की घंटी सुनकर भागा, पर वह बेंच पर लेट गया और इतनी लंबी सांस ली मानो बहुत देर से उसने सांस ही नहीं ली है। उसके मुख से दुस्साहस वेदना में डूबे हुए शब्द निकले, हाय ईश्वर।
इस नाम के सिवा उसे अपना जीवन निराधार मालूम होता था। इस एक उच्छ्वास में कितना नैराश्य था, कितनी संवेदना, कितनी करुणा, कितनी दीन प्रार्थना भरी हुई थी, इसका कौन अनुमान कर सकता है। अब सारा रहस्य उसकी समझ में आ रहा था और बार बार उसका पीड़ित हृदय आर्तनाद कर रहा था, हाय ईश्वर, इतना घोर कलंक, क्या जीवन में इससे बड़ी विपत्ति की कल्पना की जा सकती है? क्या संसार में इससे घोरतम नीचता की कल्पना की जा सकती है? आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र पर इतना निर्दय कलंक न लगाया होगा, जिसके चरित्र की सभी प्रशंसा करते थे, जो अन्य युवकों के लिए आदर्श समझा जाता था, जिसने कभी अपवित्र विचारों को अपने पास नहीं फटकने दिया, उसी पर ये घोरतम कलंक। मनसाराम को ऐसा मालूम हुआ मानो उसका दिल फटा जाता है। दूसरी घंटी भी बज गई। लड़के अपने अपने कमरे में गए, पर मनसाराम हथेली पर गाल रखे अनिमेष नेत्रों से भूमि की ओर देख रहा था, मानो उसका सर्वस्व जलमग्न हो गया हो, मानो वह किसी को मुंह न दिखा सकता हो। स्कूल में गैर हाजिरी हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा, इसकी उसे चिंता नहीं। जब उसका सर्वस्व लुट गया तो अब इन छोटी छोटी बातों का क्या भय। इतना बड़ा कलंक लगने पर भी अगर जीता हूँ तो मेरे जीने को धिक्कार है। उसी शोकातिरेक दशा में वह चिल्ला पड़ा, माता जी, तुम कहाँ हो? तुम्हारा बेटा, जिस पर तुम प्राण देती थी, जिसे तुम अपने जीवन का आधार समझती थी, आज घोर संकट में है। उसी का पिता उसकी गर्दन पर छुरी फेर रहा है। हाय, तुम हो? मनसाराम फिर शांत चित्त से सोचने लगा, मुझ पर यह संदेह क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? मुझ में ऐसी कौन सी बात उन्होंने देखी जिससे उन्हें यह संदेह हुआ? वह हमारे पिता हैं, मेरे शत्रु नहीं हैं, जो अनायास ही मुझ पर ये अपराध लगाने बैठ जाएं। जरूर उन्होंने कोई कोई बात ऐसी देखी या सुनी होगी। उनका मुझ पर कितना स्नेह था, मेरे बगैर भोजन न करते थे। वहीं मेरे शत्रु हो जाएं, ये बात अकारण नहीं हो सकती। अच्छा, इस संदेह का बीजारोपण किस दिन हुआ? मुझे बोर्डिंग हाउस में ठहराने की बात तो पीछे की है। उस दिन रात को वह मेरे कमरे में आकर मेरी परीक्षा लेने लगे थे। उसी दिन उनकी त्योरियां बदली हुई थी। उस दिन ऐसी कौन सी बात हुई जो अप्रिय लगी हो? मैं नई अम्मा से कुछ खाने को मांगने गया था। बाबूजी उस समय वहाँ बैठे थे। हाँ, अब याद आती है, उसी वक्त उनका चेहरा तमतमा गया था। उसी दिन से नई अम्मा ने मुझसे पढ़ना छोड़ दिया। अगर मैं जानता कि मेरा घर में आना जाना, अम्मा जी से कुछ कहना सुनना और उन्हें पढ़ाना लिखाना पिताजी को बुरा लगता है, तो आज क्यों ये नौबत आती? और नई अम्मा, उन पर क्या बीत रही होगी? मनसाराम ने अब तक निर्मला की ओर ध्यान नहीं दिया था। निर्मला का ध्यान आते ही उसके रोए खड़े हो गए। हाय, उनका सरल स्नेहशील हृदय ये आघात कैसे सह सकेगा? आह, मैं कितने भ्रम में था। मैं उनके स्नेह को कौशल समझता था। मुझे क्या मालूम था कि उन्हें पिताजी का भ्रम शांत करने के लिए मेरे प्रति इतना कटु व्यवहार करना पड़ता है। आह, मैंने उन पर कितना अन्याय किया है। उनकी दशा को मुझसे भी खराब हो रही होगी। मैं तो यहाँ चला आया, मगर वह कहाँ जाएंगी? जिया कहता था उन्होंने दो दिन से भोजन नहीं किया, हरदम रोया करती हैं। कैसे जाकर समझाऊं वह इस अभागे के पीछे क्यों अपने सिर यह विपत्ति ले रही हैं? वह बार बार मेरा हाल पूछती हैं, क्यों बार बार मुझे बुलाती हैं? कैसे कह दूं कि माता, मुझे तुमसे जरा भी शिकायत नहीं, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। वह अब भी बैठी रो रही होंगी, कितना बड़ा अनर्थ है। बाबूजी को ये क्या हो रहा है? क्या इसलिए विवाह किया था? एक बालिका की हत्या करने के लिए ही उसे लाए थे? इस कोमल पुष्प को मसल डालने के लिए ही तोड़ा था? उनका उद्धार कैसे होगा? इस निरपराधनी का मुख कैसे उज्जवल होगा? उन्हें केवल मेरे साथ स्नेह का व्यवहार करने के लिए ये दंड दिया जा रहा है? उनकी सज्जनता का उन्हें ये उपहार मिल रहा है? मैं उन्हें इस प्रकार निर्दय आघात सहते देखकर बैठा रहूंगा? अपनी मान रक्षा के लिए न सही, उनकी आत्मरक्षा के लिए इन प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। इसके सिवाय उद्धार का कोई उपाय नहीं। आह, दिल में कैसे कैसे अरमान थे, वे सब खाक में मिला देने होंगे। एक सती पर संदेह किया जा रहा है और मेरे कारण? मुझे अपने प्राणों से उनकी रक्षा करनी होगी, यही मेरा कर्तव्य है, इसी में सच्ची वीरता है। माता, मैं अपने रक्त से इस कालिमा को धो दूंगा, इसी में मेरा और तुम्हारा दोनों का कल्याण है।
वह दिन भर इन्हीं विचारों में डूबा रहा। शाम को उसके दोनों भाई आकर घर चलने के लिए आग्रह करने लगे। सियाराम, चलते क्या नहीं मेरे भैया जी, चले चलो। मनसाराम, मुझे फुर्सत नहीं है कि तुम्हारे कहने से चला चलूं। जियाराम, आखिर कल तो इतवार है ही। मनसाराम, इतवार को भी काम है। जियाराम, अच्छा कल आओगे ना। मनसाराम, नहीं कल मुझे एक मैच में जाना है। सियाराम, अम्मा जी मूंग के लड्डू बना रही हैं, ना चलोगे तो एक भी पाओगे, हम तुम मिलके खा जाएंगे, जिया इन्हें ना देंगे। जियाराम, भैया अगर तुम कल ना गए तो शायद अम्मा जी यहीं चली आएं। मनसाराम, सच? नहीं ऐसा क्यों करेंगी, यहाँ आएं तो बड़ी परेशानी होगी, तुम कह देना वह कहीं मैच देखने गए हैं। जियाराम, मैं झूठ क्यों बोलने लगा, मैं कह दूंगा वह मुंह फुलाए बैठे थे, देख लें उन्हें साथ लाता हूं कि नहीं। सियाराम, हम कह देंगे कि आज पढ़ने नहीं गए, पड़े पड़े सोते रहे। मनसाराम ने इन दूतों से कल आने का वादा करके गला छुड़ाया। जब दोनों चले गए तो फिर चिंता में डूबा। रात भर उसे करवटे बदलते गुजरी, छुट्टी का दिन भी बैठे बैठे कट गया। उसे दिन भर शंका होती रहती कि कहीं अम्मा जी सचमुच न चली आए। किसी गाड़ी की खड़खड़ाहट सुनता तो उसका कलेजा धक धक करने लगता, कहीं आ तो नहीं गई। छात्रालय में एक छोटा सा औषधालय था, एक डॉक्टर साहब संध्या समय एक घंटे के लिए आ जाया करते थे। अगर कोई लड़का बीमार होता तो उसे दवा देते। आज वह आए तो मनसाराम कुछ सोचता हुआ उनके पास आकर खड़ा हो गया। वह मनसाराम को अच्छी तरह जानते थे, उसे देखकर आश्चर्य से बोले, यह तुम्हारी क्या हालत है जी, तुम तो मानो गले जा रहे हो, कहीं बाजार का चस्का तो नहीं पड़ गया, आखिर तुम्हें हुआ क्या, जरा यहाँ तो आओ। मनसाराम ने मुस्कुराकर कहा, मुझे जिंदगी का रोग है, आपके पास इसकी भी तो कोई दवा है। डॉक्टर, मैं तुम्हारी परीक्षा करना चाहता हूँ, तुम्हारी सूरत ही बदल गई है, पहचाने भी नहीं जाते। ये कहकर उन्होंने मनसाराम का हाथ पकड़ लिया और छाती, पीठ, आंखें, जीभ सब बारी बारी से देखी। तब चिंतित होकर बोले, वकील साहब से मैं आज ही मिलूंगा, तुम्हें थाइसिस हो रहा है, सारे लक्षण उसी के हैं। मनसाराम ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कितने दिनों में काम तमाम हो जाएगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर, कैसी बातें करते हो जी, मैं वकील साहब से मिलकर तुम्हें किसी पहाड़ी जगह भेजने की सलाह दूंगा, ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे, बीमारी अभी पहले स्टेज में है। मनसाराम, तब तो अभी साल दो साल की देर मालूम होती है, मैं तो इतना इंतजार नहीं कर सकता। सुनिए, मुझे थायसिस वायसिस कुछ नहीं है, ना कोई दूसरी शिकायत ही है, आप बाबूजी को नाहक तदुद में न डालिएगा, इस वक्त मेरे सिर में दर्द है, कोई दवा कीजिए, कोई ऐसी दवा हो जिससे नींद भी आ जाए, मुझे दो रात से नींद नहीं आती। डॉक्टर ने जहरीली दवाइयों की अलमारी खोली और शीशी से थोड़ी सी दवा निकाल कर मनसाराम को दी। मनसाराम ने पूछा, ये तो कोई जहर है, भला इसे कोई पी ले तो मर जाए? डॉक्टर, नहीं मर तो नहीं जाए, पर सिर में चक्कर जरूर आ जाए। मनसाराम, कोई ऐसी दवा भी है जिसमें पीते ही प्राण निकल जाए? डॉक्टर, ऐसी एक दो नहीं, कितनी दवाएं हैं, ये जो शीशी देख रहे हो, इसकी एक बूंद भी पेट में चली जाए तो जान ना बचे, आनन फानन में मौत हो जाए। मनसाराम, क्यों डॉक्टर साहब, जो लोग जहर खा लेते हैं उन्हें बड़ी तकलीफ होती होगी? डॉक्टर, सभी जहरों में तकलीफ नहीं होती, बाज तो ऐसे हैं कि पीते ही आदमी ठंडा हो जाता है, ये शीशी इसी किस्म की है, इस पीते ही आदमी बेहोश हो जाता है, फिर उसे होश नहीं आता। मनसाराम ने सोचा, तब तो प्राण देना बहुत आसान है, फिर क्यों लोग इतना डरते हैं, ये शीशी कैसे मिलेगी? अगर दवा का नाम पूछकर शहर के किसी दवा फरोश से लेना चाहूं तो वह कभी ना देगा। ओह, इसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं, ये तो मालूम हो गया कि प्राणों का अंत बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मनसाराम इतना प्रसन्न हुआ मानो कोई इनाम पा गया हो, उसके दिल पर से बोझ सा हट गया, चिंता की मेघ राशि जो सिर पर मंडरा रही थी छिन्न भिन्न हो गई। महीनों बाद आज उसे मन में एक स्फूर्ति का अनुभव हुआ। लड़के थिएटर देखने जा रहे थे, निरीक्षक से आज्ञा ले ली,
मनसाराम भी उनके साथ थिएटर देखने चला गया। ऐसा खुश था मानो उससे ज्यादा सुखी जीव संसार में कोई नहीं है। थिएटर में नकल देखकर वो हंसते हंसते लौट गया। बार बार तालियां बजाने और वंस मोर की हाँक लगाने में पहला नंबर उसी का था। गाना सुनकर वह मस्त हो जाता था और ओह हो करके चिल्ला उठता था। दर्शकों की निगाहें बार बार उसकी तरफ उठ जाती थी। थिएटर के पात्र भी उसी की ओर ताकते थे और ये जानने को उत्सुक थे कि कौन महाशय इतने रसिक और भावुक हैं। उसके मित्रों को उसकी उच्छृंखलता पर आश्चर्य हो रहा था। वह बहुत ही शांत चित्त गंभीर स्वभाव का युवक था। आज वह क्यों इतना हास्यशील हो गया है, क्यों इसके विनोद का पारावार नहीं है। 2 बजे रात को थिएटर से लौटने पर भी उसका हास्योन्माद कम नहीं हुआ। उसने एक लड़के की चारपाई उलट दी, कई लड़कों के कमरे के द्वार बाहर से बंद कर दिए और उन्हें भीतर से खटखट करते सुनकर हंसता रहा। यहाँ तक कि छात्रालय के अध्यक्ष महोदय करी नींद में भी शोरगुल सुनकर खुल गई और उन्होंने मनसाराम की शरारत पर खेद प्रकट किया। कौन जानता है कि उसके अंतस्थल में कितनी भीषण क्रांति हो रही है। संदेह के निर्दय आघात ने उसकी लज्जा और आत्मसम्मान को कुचल डाला है। उसे अपमान और तिरस्कार का लेश मात्र भी भय नहीं है। यह विनोद नहीं, उसकी आत्मा का करुण विलाप है। जब और सब लड़के सो गए तो वह भी चारपाई पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। एक क्षण के बाद वह बैठा और अपनी सारी पुस्तकें बांधकर संदूक में रख दी। जब मरना ही है तो पढ़कर क्या होगा। जिस जीवन में ऐसी ऐसी बाधाएं हैं, ऐसी ऐसी यातनाएं हैं, उससे मृत्यु कहीं अच्छी। ये सोचते सोचते तड़का हो गया। 3 रात से वह एक क्षण भी न सोया था। इस वक्त वह उठा तो उसके पैर थर थर कांप रहे थे और सिर में चक्कर सा आ रहा था। आंखें जल रही थी और शरीर के सारे अंग शिथिल हो रहे थे। दिन चढ़ता जाता था और उसमें इतनी शक्ति भी न थी कि उठकर मुंह हाथ धो ले। एकाएक उसने भुंगी को रुमाल में कुछ लिए हुए एक कहार के साथ आते देखा। उसका कलेजा सन रह गया। हाय ईश्वर, वे आ गई, अब क्या होगा। भुंगी अकेले नहीं आई होगी, बग्घी जरूर बाहर खड़ी होगी। कहाँ तो उससे उठा प्रश्न जाता था, कहाँ भुंगी को देखते ही दौड़ा और घबराई हुई आवाज में बोला, अम्मा जी भी आई हैं क्या रे। जब मालूम हुआ कि अम्मा जी नहीं आई तब उसका चित्त शांत हुआ। भुंगी ने कहा, भैया तुम कल गए नहीं, बहू जी तुम्हारी राह देखती रह गई, उनसे क्यों रूठे हो भैया। कहती है, मैंने उनकी कुछ भी शिकायत नहीं की, मुझसे आज रो रो कर कहने लगी, उनके पास ये मिठाई लेती जा और कहना मेरे कारण क्यों घर छोड़ दिया है, कहाँ रख दूँ ये थाली। मनसाराम ने रुखाई से कहा, ये थाली अपने सिर पर पटक दे चुड़ैल, वहाँ से चली है मिठाई लेकर, खबरदार जो फिर कभी इधर आई। सौगात लेकर चली है, जाकर कह देना मुझे उनकी मिठाई नहीं चाहिए। जाकर कह देना तुम्हारा घर है, तुम रहो वहाँ, वे बड़े आराम से हैं, खूब खाते और मौज करते हैं। सुनती हैं बाबूजी का मुंह पर कहना, समझ गई, मुझे किसी का डर नहीं है और जो करना चाहें वह कर डालें, जिससे दिल में कोई अरमान ना रह जाए। कहें तो इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता चला जाऊं, मेरे लिए जैसे बनारस वैसे दूसरा शहर, यहाँ क्या रखा है। भूंगी, भैया मिठाई रख लो, नहीं रो रो कर मर जाएंगी, सच मानो रो रो कर मर जाएंगी। मनसाराम ने आंसुओं के उठते हुए वेग को दबा कर कहा, मर जाएंगी मेरी बला से, कौन मुझे बड़ा सुख दे दिया है जिसके लिए पछताऊं, मेरा तो उन्होंने सर्वनाश कर दिया। कह देना मेरे पास कोई संदेशा ना भेजें, कुछ जरूरत नहीं। भूंगी, भैया तुम तो कहते हो यहाँ खूब खाता हूँ और मौज करता हूँ, मगर दे तो आधी भी ना रही और उससे आधे भी ना रहे। मनसाराम, ये तेरी आंखों का फेर है, देखना 2-4 दिन में मुटा कर कोहलू हो जाता हूँ कि नहीं। उनसे ये भी कह देना कि रोना धोना बंद करें, जो मैंने सुना कि रोती हैं और खाना नहीं खाती, मुझसे बुरा कोई नहीं, मुझे घर से निकाला है तो आप ना ठीक से रहें, चली हैं प्रेम दिखाने, मैं ऐसे त्रिया चरित्र बहुत से पड़े बैठा हूँ। भूंगी चली गई। मनसाराम को उससे बातें करते ही कुछ ठंड मालूम होने लगी थी। ये अभिनय करने के लिए उसे अपने मनोभावों को जितना दबाना पड़ा था वह उसके लिए असाध्य था। उसका आत्मसम्मान उसे इस कुटिल व्यवहार का जल्द से जल्द अंत कर देने के लिए बाध्य कर रहा था, पर इसका परिणाम क्या होगा। निर्मला क्या ये आघात सह सकेगी।
अब तक वह मृत्यु की कल्पना करते समय किसी अन्य प्राणी का विचार न करता था, पर आज एकाएक ज्ञान हुआ कि मेरे जीवन के साथ एक और प्राणी का जीवन सूत्र भी बंधा हुआ है। निर्मला ये समझेगी कि मेरी निष्ठुरता ही ने इनकी जान ली, ये समझकर उसका कोमल हृदय फट ना जाएगा। उसका जीवन तो अब भी संकट में है, संदेह के कठोर पंजे में फंसी हुई अबला क्या अपने को हत्यारिणी समझकर बहुत दिन जीवित रह सकती है? मनसाराम ने चारपाई पर लेटकर लिहाफ ओढ़ लिया, फिर भी सर्दी से कलेजा कांप रहा था। थोड़ी ही देर में उसे जोर से ज्वर चढ़ाया, वह बेहोश हो गया। इस अचेत दशा में उसे भांति भांति के स्वप्न दिखाई देने लगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चौंक पड़ता, आंखें खुल जाती, फिर बेहोश हो जाता। सहसा वकील साहब की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ा। हाँ, वकील साहब की आवाज़ थी। उसने लिहाफ फेंक दिया और चारपाई से उतरकर नीचे खड़ा हो गया। उसके मन में एक आवेग हुआ कि इस वक्त इनके सामने प्राण दे दूं। उसे ऐसा मालूम हुआ कि मैं मर जाऊं तो इन्हें सच्ची खुशी होगी। शायद इसलिए वह देखने आए हैं कि मेरे मरने में कितनी देर है। वकील साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया जिससे वह गिर ना पड़े और पूछा, कैसी तबीयत है लल्लू? लेटे क्यों ना रहे? लेट ना जाओ, तुम खड़े क्यों हो गए? मनसाराम, मेरी तबीयत तो बहुत अच्छी है, आपको व्यर्थ ही कष्ट हुआ। मुंशी जी ने कुछ जवाब न दिया। लड़के की दशा देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वह हृष्ट पुष्ट बालक जिसे देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता था, अब सूख कर कांटा हो गया था। 5-6 दिन में ही वह इतना दुबला हो गया था कि उसे पहचानना कठिन था। मुंशी जी ने उसे आहिस्ता से चारपाई पर लिटा दिया और लिहाफ अच्छी तरह से उसे उड़ाकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। कहीं लड़का हाथ से तो नहीं जाएगा, ये ख्याल करके वह शोक विहल हो गए और स्टूल पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। मनसाराम भी लिहाफ में मुंह लपेटे रो रहा था। अभी थोड़े ही दिनों पहले उसे देखकर पिता का हृदय गर्व से फूल उठता था, लेकिन आज उसे इस दारुण दशा में देखकर भी वह सोच रहे हैं कि इसे घर ले चलूं या नहीं। क्या यहाँ दवा नहीं हो सकती? मैं यहाँ 24 घंटे बैठा रहूँगा, डॉक्टर साहब यहाँ हैं ही, कोई दिक्कत ना होगी। घर ले चलने से मैं उन्हें बाधाएं ही बाधाएं दिखाई देती थी। सबसे बड़ा भय ये था कि वहाँ निर्मला इसके आसपास हरदम बैठी रहेगी और मैं मना ना कर सकूँगा, ये उनके लिए असह्य था। इतने में अध्यक्ष ने आकर कहा, मैं तो समझता हूँ कि आप इन्हें अपने साथ ले जाएं, गाड़ी है ही, कोई तकलीफ ना होगी या अच्छी तरह देखभाल ना हो सकेगी। मुंशी जी, हाँ आया तो मैं इसी ख्याल से था, लेकिन इनकी हालत बहुत ही नाजुक मालूम होती है, जरा सी असावधानी होने से सरसाम हो जाने का भय है। अध्यक्ष, यहाँ से इन्हें ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, लेकिन ये तो आप खुद सोच सकते हैं कि घर पर जो आराम मिल सकता है वह यहाँ किस तरह मिल सकता है। इसके अतिरिक्त किसी बीमार लड़के को यहाँ रखना नियम विरुद्ध भी है। मुंशी जी, कहिए तो मैं हेडमास्टर से आज्ञा ले लूं, मुझे इनका यहाँ से इस हालत में ले जाना किसी तरह मुनासिब नहीं मालूम होता। अध्यक्ष ने हेडमास्टर का नाम सुना तो समझे कि ये महाशय धमकी दे रहे हैं। जरा तिनक कर बोले, हेडमास्टर, नियम विरुद्ध कोई बात नहीं कर सकते, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ? अब क्या हो गया? क्या घर ले जाना ही पड़ेगा? यहाँ रखने का तो ये बहाना था कि ले जाने से बीमारी बढ़ जाने की शंका है। यहाँ से ले जाकर अस्पताल में ठहराने का कोई बहाना नहीं है। जो सुनेगा वह यही कहेगा कि डॉक्टर की फीस बचाने के लिए लड़के को अस्पताल फेंक आए, पर अब ले जाने के सिवा और कोई उपाय ना था। अगर अध्यक्ष महोदय इस वक्त रिश्वत लेने पर तैयार हो जाते तो शायद 2-4 साल का वेतन ले लेते, लेकिन कायदे के पाबंद लोगों में इतनी बुद्धि इतनी चतुराई कहाँ। अगर इस वक्त मुंशी जी को कोई आदमी ऐसा उज्र सुझा देता जिसमें उन्हें मनसाराम को घर न ले जाना पड़े तो वह आजीवन उसका एहसान मानते। सोचने का समय भी ना था, अध्यक्ष महोदय शैतान की तरह सिर पर सवार थे। विवश होकर मुंशी जी ने दोनों साइंसों को बुलाया और मनसाराम को उठाने लगे। मनसाराम अर्ध चेतना की दशा में था, चौंक कर बोला, क्या है, कौन है? मुंशी जी, कोई नहीं बेटा, मैं तुम्हें घर ले चलना चाहता हूँ, आओ गोद में उठा लूं। मुंशी जी, यहाँ तो रह नहीं सकते, नियम ही ऐसा है। मनसाराम, कुछ भी हो वहां ना जाऊंगा, मुझे और कहीं ले चलिए, किसी पेड़ के नीचे किसी झोपड़े में जहां चाहे रखिए, पर घर ना ले चलिए।
अध्यक्ष ने मुंशी से कहा, आप इन बातों का ख्याल ना करें, ये तो होश में नहीं है। मनसाराम, कौन होश में नहीं है? मैं होश में नहीं हूँ? किसी को गालियां देता हूँ, दांत काटता हूँ, क्यों होश में नहीं हूँ? मुझे यहीं पड़ा रहने दीजिए, जो कुछ होना होगा, अगर ऐसा है तो मुझे अस्पताल ले चलिए, मैं वहां पड़ा रहूंगा। जीना होगा जीऊंगा, मरना होगा मरूंगा, लेकिन घर किसी तरह भी ना जाऊंगा। ये जोर पाकर मुंशी जी फिर से अध्यक्ष की मिन्नतें करने लगे, लेकिन वह कायदे का पाबंदी आदमी कुछ सुनता ही न था। अगर छूत की बीमारी हुई तो किसी दूसरे लड़के को छूत लग गई तो कौन उसका जवाबदेह होगा? इस तर्क के सामने मुंशी जी की कानूनी दलीलें भी मात हो गईं। आखिर मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, बेटा तुम्हें घर चलने से क्यों इनकार हो रहा है? वहां तो सभी तरह का आराम रहेगा। मुंशी जी ने कहने को तो ये बात कह दी, लेकिन डर रहे थे कि कहीं सचमुच मनसाराम चलने पर राजी ना हो जाए। मनसाराम को अस्पताल में रखने का कोई बहाना खोज रहे थे और उसकी जिम्मेदारी मनसाराम ही के सिर डालना चाहते थे। ये अध्यक्ष के सामने की बात थी, वह इस बात की साक्षी दे सकते थे कि मनसाराम अपनी जिद से अस्पताल जा रहा है। मुंशी जी का इसमें लेश मात्र भी दोष नहीं है। मनसाराम ने झल्लाकर, हाँ नहीं नहीं सौ बार नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे अस्पताल ले चलिए और घर के सब आदमियों को मना कर दीजिए कि मुझे देखने ना आए। मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल बीमार नहीं हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने पांव से चल सकता हूँ। वह उठ खड़ा हुआ और उन्मत्त की भांति द्वार की ओर चला, लेकिन पैर लड़खड़ा गए। यदि मुंशी जी ने संभाल न लिया होता तो उसे बड़ी चोट आती। दोनों नौकरों की मदद से मुंशी जी ने उसे बग्घी के पास लाए और अंदर बैठा दिया। गाड़ी अस्पताल की ओर चली, वही हुआ जो मुंशी जी चाहते थे। इस शोक में भी उनका चित्त संतुष्ट था। लड़का अपनी इच्छा से अस्पताल जा रहा था, क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं था कि घर में इसे कोई स्नेह नहीं है? क्या इससे ये सिद्ध नहीं होता कि मनसाराम निर्दोष है? वह उस पर अकारण ही भ्रम कर रहे थे, लेकिन जरा ही देर में इस तुष्टि की जगह उनके मन में ग्लानी का भाव जागृत हुआ। वह अपने प्राण प्रिय पुत्र को घर न ले जाकर अस्पताल लिए जा रहे थे। उनके विशाल भवन में उनके पुत्र के लिए जगह न थी। इस दशा में भी, जबकि उसकी जीवन संकट में पड़ा हुआ था, कितनी विडंबना है। एक क्षण के बाद एकाएक मुंशी जी के मन में प्रश्न उठा, कहीं मनसाराम उनके भावों को ताड़ तो नहीं गया? इसलिए तो उसे घर से घृणा नहीं हो गई है? अगर ऐसा है तो गजब हो जाएगा। इस अनर्थ की कल्पना ही से मुंशी जी के रोएं खड़े हो गए और कलेजा धक धक करने लगा। हृदय में एक धक्का सा लगा, अगर इस ज्वर का यही कारण है तो ईश्वर ही मालिक है। इस समय उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। वह आग जो उन्होंने अपने ठिठुरे हुए हाथों को सेकने के लिए जलाई थी, अब उनके घर में लगी जा रही थी। इस करुणा, शोक, पश्चाताप और शंका से उनका चित्त घबरा उठा। उनके गुप्त रोदन की ध्वनि बाहर निकल सकती तो सुनने वाले रो पड़ते, उनके आंसू बाहर निकल सकते तो उनका तार बंद जाता। उन्होंने पुत्र के वर्णहीन मुख की ओर एक वात्सल्यपूर्ण नेत्रों से देखा, वेदना से निकल होकर उसे छाती से लगा लिया और इतना रोए कि हिचकी बंद गई। सामने अस्पताल का फाटक दिखाई दे रहा था।